नमस्कार, मैं हूं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं टुडे हेडलाइंस की खास पेशकश द करियर गाइडेंस। इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे करियर और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर नाटककार डॉक्टर सुरेश मेहता जी, जो पिछले लंबे समय से दीनानगर स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर वाइस प्रिंसिपल सेवाएं दे रहे हैं और पिछले लंबे समय से रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, बतौर लेक्चरर, बतौर वाइस प्रिंसिपल, एक तरफ यहाँ आप अध्यापन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रंगमंच के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक बैलेंस कैसे बना? आपकी शुरुआत कैसे रंगमंच में हुई, हमारे दर्शकों को कृपया बताइए। मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली बार जो नाटक खेला था वो तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तब मैं थर्ड क्लास में पढ़ता था, और मुझे जो नाटक मैंने किया वो नाटक था आगा हशर कश्मीरी का, उर्दू नाटक था। तब एक बच्चे की भूमिका थी, वो अपनी भाभी की मदद करता है अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। मुझे ये नहीं बताया गया था, मुझे डायलॉग जो है रटाए गए थे जैसे करना है, पर कुछ बातें जो है मेरे साथ शेयर नहीं की गई थी जी। एक बात थी कि उस बच्चे के ना जोर से मुंह पे जो थप्पड़ लगना था, उसके जो भाई हैं बड़े उन्होंने मारना था, मेरे को पता नहीं था। जब मेरे थप्पड़ पड़ा तो मैं जोर जोर से चीखने लगा, लोग जो जोर जोर से तालियां बजाने लगे, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हुआ। बस यही घटना मुझे रंगमंच की दुनिया में जो है लेके आ गई जी। एक थप्पड़ से शुरुआत रंगमंच की हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही समझिए जी जी। तो डॉक्टर साहब, रंगमंच आखिर इस शब्द के मायने आपकी सोच में या आपके नजरिए में है क्या? सुमित जी, मैं तो रंगमंच को ऐसे लेता हूँ कि ये दुनिया ही एक रंगमंच है, जो हम तो अपने अपने किरदार जो है निभा रहे हैं। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि हमारा किरदार ऐसे निभना चाहिए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सो रंगमंच, रंगशाला, नाटशाला भारतीय आचार्यों ने वेस्टर्न थ्योरीज हैं उसमें अलग अलग इसके कोशगत अर्थ दिए हैं। तो डॉक्टर साहब, जब आपको लगा कि रंगमंच से जुड़ा जाए तो क्या उसकी आपने कहीं से कोई स्टडी की, या कुछ ऐसे साहित्यकार थे या नाटककार थे जिनका कुछ प्रभाव आप पर रहा, कुछ उसके बारे में बताइए। सुमित जी, ये भी एक अजीब किस्म की घटना है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ ना, तो मेरे पापा भी जो है वो नाटक करते थे जी। तो जिस समय मेरा जन्म ही हुआ वो रंग कर्मियों को रिहर्सल करवा रहे थे। अच्छा। तो मतलब मेरा मुझे लगता है कि मेरे खून में ही रंगमंच है। दादाजी नाटक करते थे, मेरे बाप नाटक करते थे, मेरे चाचा नाटक करते थे, मेरे घर वाले सभी नाटक करते थे, तो मतलब उसी के हिसाब से मैं इस क्षेत्र में आ गया जी। जी जी। तो जब आप अपने कॉलेज में गए हो, है ना, तो युवा अवस्था में थे, अभी भी माशाल्लाह आप युवा ही हैं, तो जिन लोगों के साथ आपने नाटक खेला, ऐसे कुछ नाटककार साहित्यकार जो जिनकी शैली से आप कुछ प्रभावित थे, कुछ ऐसे नाम बताएंगे हमें? हमारा जो राज्य है पंजाब, पंजाब में तो मैं प्रभावित रहा हूँ सरदार गुरशरण सिंह जी से जी। उन्होंने एक केमिकल इंजीनियर होने के साथ साथ इतना नाटक किया कि पंजाब में नाटक को घर घर में पहुंचा दिया। तो जो उनकी छैली थी, चाहे उससे कई दोष भी लगते हैं कि वो नाटक जो है वो एक संबोधनी शैली में करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन उन्होंने जितना नाटक किया उसको तो सलाम कहना बनता है जी। उसके साथ जो नाटक करने वाले हैं अपने अजमेर ओलख जी हैं, उन्होंने 40 साल पंजाबी रंगमंच की जो सेवा की है, मैं उनसे भी प्रभावित हूँ। आज जो गुरशरण सिंह जी के लगाए हुए पौधे कह लेते हैं, रंगकर्मी हैं साफ सिंह जी हैं, केवल धालीवाल जी हैं, और बहुत सारे रंगकर्मी हैं जो आज भी मतलब इस क्षेत्र में सरगर्म हैं, नाटक कर रहे हैं।
तो अब बात करते हैं हम उन युवाओं की जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और काफ़ी चाहवान हैं इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने को लेकर। डॉक्टर साहब, रंगमंच से जुड़ने के लिए जो युवा वर्ग हैं, रंगकर्मी बनना चाहते हैं, तो उनमें वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या प्रतिभा होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो जो कुछ आप उनको बता सकें। सुमित जी, मैं सबसे पहले तो रंगमंच से जुड़ने के लिए एक बात पे जोर देता हूँ कि सख्त मेहनत की लोड है। जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता, युवा वर्ग है, आकर्षित है आज की जो चकाचौंध है उससे, वो मेहनत नहीं करता, वो तो रातों रात स्टार बनना चाहता है जी। तो जो भी युवा वर्ग है, वो जो इधर आना चाहता है, इस क्षेत्र में आना चाहता है, उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले वो मेहनत करना सीखे जी। दरअसल मेरा अगला सवाल है कि जो थिएटर है या रंगमंच है, उसके विषय को लेकर स्कूल कॉलेजेस में अपने अपने माइंडसेट हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी स्तर पर ऐसी कुछ पहल हो रही है कि स्कूल कॉलेजेस में एज ए सब्जेक्ट इसको लिया जा रहा है? बिल्कुल हो रही है सुमित जी। CBSE ने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, खुशी की बात है कि वहाँ आप प्लस टू तक जो है ये सब्जेक्ट जो है कर सकते हो जी। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी इसके बारे में सोच रहे हैं, इस सब्जेक्ट को शुरू करने की जो कोशिश रंगकर्मी कर रहे हैं कि कैसे किसी ना किसी तरह इस पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी ये सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस होना चाहिए जी। बाकी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में तो काफ़ी देर से थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट चल रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट जो है चल रहा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे तो ग्रेजुएशन में भी है, APJ कॉलेज है और BBK DAV कॉलेज वहाँ तो बी वोकेशनल जो है सब्जेक्ट चल रहा है। तो इसी तरह खालसा कॉलेज अमृतसर ने भी इस साल जो है ड्रामाटिक आर्ट में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट शुरू किया है। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट जो है वो कॉलेजेस में स्कूल्स में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो नया वर्ग है जब निकल रहा है कहीं ना बाहर से यूनिवर्सिटी से, तो ये इनके लिए रोजगार के मौके जो पैदा होंगे जी। इसी के साथ ही मेरा सवाल ये है कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए और क्या राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे मंच हैं जहाँ पर दाखिला मिलना आसान है या कैसे है? NST जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो दिल्ली में है, BNA भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी लखनऊ में है और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल में है। यहाँ जो बच्चे हैं, जो रंगकर्मी हैं, जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे जा रहे हैं अपने करियर के लिए और वहाँ से निकलकर जो है अपना भविष्य जो है वो निश्चित कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई, जैसे अगर किसी ने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ना पड़ेगा, तो वैसे क्या 10वीं या 12वीं के बाद कोई ऐसे विषय रखे गए हैं अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेनी हो तो? क्यों नहीं रखेगा सुमित जी, जहाँ ग्रेजुएशन के लिए मैंने पहले भी बात की है कि आप APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट जलंधर में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, या अपने खालसा कॉलेज अमृतसर में, या फिर अपने BBK DAV कॉलेज अमृतसर में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं जी। अगर आप BA में भी जाना चाहते हो कि हमने जो है BA सिंपल सब्जेक्ट से करनी है, तो खालसा कॉलेज में जो नया सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ड्रामाटिक आर्ट का, वो एक सब्जेक्ट लेके आप मतलब कर सकते हैं। कहने का मतलब कि चाहे बच्चे ने साइंस की है या आर्ट्स की है या कॉमर्स की है, वो इसके लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, मतलब प्लस टू के बाद वो किसी भी स्ट्रीम में उसने किया वो आगे जो है थिएटर में मतलब कर सकता है ग्रेजुएशन। तो डॉक्टर साहब, इस रंगमंच की दुनिया में ऐसे वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें बच्चे अपना करियर बना सकते हैं बतौर एक्टर, बतौर लेखक, अगर आप इस पर कुछ ज़्यादा हमें, हमारे दर्शकों को बता सकें?
सबसे पहले तो मैंने आपसे बात की है कि आजकल जो है अध्यापन का क्षेत्र है, जी इसमें आ सकते हैं जो शिक्षा कॉलेज हैं, एजुकेशन के कॉलेज हैं, बीएड कोर्सेज में जो है, मतलब वहाँ परफॉर्मिंग आर्ट में जो है अध्यापक मांगते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, जी तो वहाँ कॉलेजेस में वो अपना मतलब भविष्य जो है तलाश सकते हैं, वहाँ लग सकते जी हैं। इसके साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ में है, जो जी नई अपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं खुल रही हैं, उसमें डिपार्टमेंट जो है नए नए खुल रहे हैं, वहाँ भी वो मतलब उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसके साथ ही बहुत सारे चैनल हैं आजकल, तो टीवी पे की दुनिया जो है, नाटक का क्षेत्र है, सीरियल जी है, फिल्म है, कहीं भी बच्चे जो है जा सकते हैं। दोस्तों, ये टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ है और दूसरा रंगमंच की दुनिया, ये कोई कोई डिफरेंस, कुछ इनमें कोई समानता कुछ अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को। सुमित जी, जो रंगमंच की दुनिया है ये अलग नहीं है, मतलब मैं कहता फिल्म की दुनिया से हमारे बलराज सानी हैं, बहुत सारे एपी हंगल हैं, मतलब शबाना आजमी जी जी हैं, बहुत सारे जो हैं पृथ्वीराज कपूर हैं, हाँ जी ये सभी जो है रंगमंच के क्षेत्र से जुड़े रहे जी हैं जी और इन्होंने बहुत मेहनत की है। एक सभी की बात है कि बलराज सानी जी तो जो है फिल्म की दुनिया छोड़ के वो पूरी तरह से मतलब समर्पित हो जाना चाहते थे रंगमंच की रंगमंच दुनिया से। जी पंजाबी नाटक के क्षेत्र में उन्होंने नाटक भी लिखा, एक जी समय ऐसा भी था जो प्रीतनगर में आके वो आते थे, वो जहाँ बस जाना चाहते जी थे। तो आज फिल्म की दुनिया में जो है बहुत संघर्ष है, जी लेकिन जो है इधर भी कुछ संघर्ष तो चल ही रहा है, मतलब मेरे जी हिसाब से। संघर्ष की ही बात करें डॉक्टर साहब, तो आज के दौर में जो रंगमंच से जुड़े लोग हैं, रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं आप जैसे, क्या चैलेंजेस आज भी आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो सुमित जी, रंगमंच की शुरुआत ही जो है वो चुनौतियों से भरी है। किसी तरह की सरकारी मदद के बिना कुछ करना जो है वो मतलब मेरा मुश्किल बड़ा है, मुश्किल मुश्किल है। जी तो जो हमारे पंजाब के विषय में बात करें कि जहाँ की सरकार जो है वो थिएटर के क्षेत्र को, रंगमंच के क्षेत्र को प्रमोट नहीं कर रही। जी दूसरा जो है आजाद जो ग्रुप हैं, मैं इनको इंडिपेंडेंट थिएटर ग्रुप कह लेता हूँ, जी अपने हिसाब से बेचारे काम कर रहे हैं समाज के लिए, जी वो अपने एक यूथ के लिए, जी जहाँ उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे उनको सफलता नहीं मिलती और इस संघर्ष में ही कई ग्रुप तो जो है बेचारे खत्म हो जाते हैं, जी क्योंकि बिना आर्थिक मदद के कितनी देर काम करेंगे ये रंगकर्मी। उनको जो महीना भर तनख्वाह मिले, जी उनको मतलब एक रोजगार का साधन बन जाए, तो जी फिर वो खुशी खुशी जो है इस क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आता है, पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि मुंबई जैसे महानगरों में अच्छे जो थिएटर बने हैं उसके लिए, नाटक देखने के लिए लोग बकायदा एडवांस में बुकिंग करते हैं नाटक बिल्कुल देखने के बिल्कुल लिए, ऐसा ही है। काफ़ी दिलचस्पी है उन लोगों में। तो वहाँ पर जो नाटककार हैं वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, कलाकारों का भी अच्छा भविष्य बन रहा है। तो ऐसा कल्चर क्या पंजाब में देखा जा सकता है भविष्य में? क्यों नहीं हो सकता सुमित जी, जी सरकार अगर मतलब नेक नियति से जी रंगमंच को जो है वो उत्साहित जी करे, इसकी तरफ ध्यान दे, तो सब कुछ हो सकता है। सरकार का तो चलो देखने में आएगा ही, पर आप अपनी तरफ से तो पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आपने नोरा रिचर्ड्स नाम का रंगमंच जो क्लब है वो स्थापित किया है दीनानगर में, उसके बारे में बताइए। सुमित जी, मैंने तो जो है मैं भी संघर्ष की अवस्था में ही हूँ। जी मेरे साथ मेरे बहुत सारे भाई जो पंजाब में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, वो भी संघर्ष कर रहे जी हैं। हमें किसी प्रकार की जो आर्थिक मदद कहीं से नहीं मिलती, जी तो मैंने नोरा रिचर्ड्स कला मंच जो है स्थापित किया, 12-13 साल हो गए। जी उसको प्रमोट करने के लिए मैं दीनानगर में अपना ओपन एयर थिएटर बना रहा हूँ, अपने पैसों से
मतलब बिना किसी आर्थिक मदद से। मैं जी चाहता हूँ कि मतलब मैं रंगमंच को जो है किसी ना किसी तरह मतलब करता रहूँ, जी मेरे साथ लोग जुड़े रहें, मैं समाज की समस्याओं को उभारता रहूँ। इसलिए मेरे मन की इच्छा है कि मैं मतलब मुझे रंगमंच करना है। डॉक्टर साहब, एक प्रोफेशनल थिएटर सुनने में आता है, ये प्रोफेशनल थिएटर क्या है? प्रोफेशनल थिएटर जो है समीची, वो लोग हमारे भी पंजाब में कुछ ना कुछ जगह पे प्रोफेशनल थिएटर हो रहा है, कोलकाता है जहाँ, दिल्ली में है, जी जी बॉम्बे जी में है, वहाँ प्रोफेशनल थिएटर हो रहा है। वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं वो प्रोफेशनल हैं, उनके जो आर्थिक मदद मिलती है, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको काम मिलता है, जी वो बड़ी खुशी से थिएटर कर रहे हैं और थिएटर से जुड़े हैं। लेकिन पंजाब में उस तरह का जो काम है मुझे नज़र नहीं आ रहा। जी 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 तो डॉक्टर साहब, जैसे 47 का बंटवारा हुआ 1947 जी में, तो उसके बाद भी क्या हमारा रंगमंच थोड़ा पीछे आया पंजाब का? बिल्कुल, जैसे लोगों का उजाड़ा हुआ सुमित जी, जी ऐसे पंजाबी रंगमंच का भी हुआ। लाहौर जो है पंजाबी रंगमंच का जी केंद्र था, तो मैं सोचता हूँ कि पंजाबी रंगमंच की शुरुआत जो है वो लाहौर से हुई है, क्योंकि आयरलैंड की लेडी थी जो हमारी पंजाबी रंगमंच की, जिनको हम नानी कहते हैं, नोरा रिचर्ड्स नोरा थी। रिचर्ड्स, यस उन्होंने शुरुआत ही जो है वो पंजाबी थिएटर की, पंजाबी रंगमंच की, पंजाबी नाटक की, जी वो लाहौर से शुरू की है। जी तो वो एक केंद्र था पंजाबी साहित्य का, पंजाबी रंगमंच का। जब लोगों का बंटवारा हुआ, लोगों को इधर आना पड़ा, तो जी पंजाबी रंगकर्मी थे, नाटककार थे, सभी का उजाड़ा हुआ है। जी जी पर डॉक्टर साहब, अभी पंजाब में फिल्म्स अच्छा बिजनेस कर रही हैं, अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, नाटक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ा हो रही है? आप देख रहे हैं इसको ऐसे? बिल्कुल देख रहा हूँ जी, मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे नाबर जैसी फिल्म है, जी संताली तो 84 है, जी ऐसे मतलब लौंग दा लिशकारा जो थी हमारे हरपाल टिवाना जी ने बनाई थी, वो NST के पास आउट थे। जी तो जो थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं जब वो आ रही हैं इधर, तो अभी अभी पिक्चर आई है मेरे को अच्छी असी असीस है, असीस असीस बड़ी अच्छी है, राणा नरवीर जी ने बनाई है। जी इस तरह लाहौरी है, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आ रही हैं, और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में जो थिएटर के रंगकर्मी हैं वो आ रहे हैं, जी मेरे को इस बात का हर्ष भी है। और सुनने में ये भी आता है डॉक्टर साहब कि जो लेखककार हैं या नाटककार हैं, उनको अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं जी, मतलब जब अच्छा काम होगा, लोग देखेंगे, तो पैसे तो मिलेंगे ही, मतलब अभी करियर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल बन रही है। अगर लोग जुड़ते चले जाएं, पंजाब में भी रंगमंच एक लहर की तरह आ जाए, तो मतलब रोजगार के मौके जो हैं वो मिलेंगे और अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। जी। डॉक्टर साहब, आप बार बार मेहनत पर जोर देने की बात बोल रहे हैं, क्या फिल्मों में या टेलीविजन के क्षेत्र में वहाँ पर मेहनत नहीं हो रही क्या? क्यों नहीं सुमित जी, मैं तो किसी भी क्षेत्र में कहता हूँ कि कोई किसी भी क्षेत्र में कोई विद्यार्थी जाता है, छात्र जाता है, तो जी उसको मेहनत की जरूरत है। जो मेरे कहने का मतलब है कि रंगमंच का क्षेत्र है, इसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। जी आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको कट हो जाता है, वहाँ पे शूटिंग होती है, जी कैमरा ऑन होता है, यो मतलब चल जाता है। जी जी तो जो बड़े बड़े सेट लगते हैं, हाँ बड़े बड़े बजट सेट हैं। लगते हैं, सारा कुछ चलता है, जी लेकिन जो है थिएटर का क्षेत्र है, इसमें तो जो कुछ है वो लाइव है, हाँ जी वहाँ कोई कट नहीं होना, जो होना है वो सामने होना है। तो जी एकदम जो आप थोड़ा बहुत भी गलत होगा तो वो नहीं चलेगा, वहां तो चल जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जो युवा वर्ग हैं, उनमें क्या ऐसी काबिलियत आप ढूंढते हैं बतौर नाटककार कि वो, या उनको आप क्या संदेश देंगे कि उनमें कौन सी वो काबिलियत होनी चाहिए कि वो रंगमंच से जुड़े, इसमें अपना करियर संभावना तलाशें या अच्छा करियर बना सकें? सुमित जी, मैं तो युवा वर्ग में वो एक इच्छा शक्ति की बात करता हूँ कि पहले तो इनमें रंगमंच करने की इच्छा शक्ति हो। जी अगर इस इनमें इच्छा शक्ति नहीं,
सिर्फ ये देखा देखी आना चाहते हैं तो इनको नहीं आना चाहिए। जी कि दूसरा, मैं बार बार यही बात करता हूँ, अगर इस क्षेत्र में आना है, मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, जी मतलब फिर जो जिस निर्देशक के साथ ये काम करते जी हैं उनके साथ मेहनत से काम करना चाहिए। जी उनकी जो नाटक की शैलियां हैं उनको पढ़ना चाहिए, नाटक का जो साहित्य है, नाटक का इतिहास है, सारा कुछ जो है वो इनको पढ़ना चाहिए। इनको पता चले कि नाटक क्या चीज है। जी भरत मुनि से लेकर आज तक जितना कुछ है इनको पढ़ना चाहिए। मैं तो इस बात पे जोर देता हूँ कि जो रंगमंच में आना चाहता है जी उनको सारा कुछ जो है वो पढ़ें, वो करें, जी फिर उस पे ध्यान दें, तो फिर जो है उनका कुछ बनेगा। दोस्तों, अमूमन फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविजन इंडस्ट्री है, वहाँ पर पता चलता है म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राइटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन हैं, एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कास्ट है। तो यही क्या फॉर्मेट हमारे थिएटर या रंगमंच में भी बिल्कुल, क्यों नहीं काउंटर है, है? क्यों नहीं है। आज भी हमारे पंजाब की बात करें तो केवल धालीवाल जी हैं, अपने डॉक्टर साहब सिंह जी हैं, पीछे हमने बात की है गुरशरण सिंह जी जी हैं, चरणदास सिद्धू जी हैं, जी वो एक डायरेक्टर के तौर पे वो फेमस जी हैं, नाटककार के तौर पे सवराजवीर जी हैं, नीलम मान सिंह जी की बात करते हैं, जी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे काम, नाम तो होता है पर जी लेकिन मेहनत के बाद होता जी है। या ऐसे ही नाटककार के तौर पे, निर्देशक के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे नाम जो है बनता है, लेकिन उनको बनाने के लिए समय भी लगता है और मेहनत भी लगती मेहनत। है। तो डॉक्टर साहब कहने का मतलब कि अगर फिल्म्स के बड़े बड़े सेट लगते हैं तो रंगमंच में भी ऐसे ही सेट लगते हैं, जहां पर बैक स्टेज भी काम हो रहा है, लोग टेक्नीशियन है चाहे नॉन टेक्नीशियन है, ये एक पूरी टीम काम कर रही है। सुमित जी, शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा था कि रंगमंच क्या है। भारतीय आचार्यों के हिसाब से तो रंगमंच एक दृश्य जी काव्य है, एक सम्मिलित क्रिया है, एक टीम वर्क है। जी इसके वो लाइट वाले लाइट का काम कर रहे हैं, प्लेबैक वाले जो है वो काम कर रहे हैं, जी हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। ऐसे ही जो है रंगमंच के क्षेत्र में भी काम चलता है। दृश्य काव्य मैंने इसलिए कहा कि जो बाकी साहित्य के रूप हैं, चाहे जी वो कहानी है, संस्मरण है, कविता है, नावल है, जी वो सभी पढ़ते हैं। तो जी जो नाटक है वो पढ़ने के लिए भी है और देखने के लिए जी भी है, और जी देखने के लिए जो स्टेज पे लाने के लिए उसे पूरी टीम काम करती है। संगीत वाले संगीत का काम करते हैं, लाइट वाला लाइट का करता कर रहा है, अभिनेता अलग काम कर रहा है, जो है निर्देशक है वो अलग काम कर रहा है। अलग वैसे मैं जो मेरी थ्योरी है, मैं कहता हूँ कि अभिनेता का रंगमंच, निर्देशक का रंगमंच और नाटककार का रंगमंच जी तीन है। तो तीन तरह का रंगमंच मैं मानता हूँ, जो है इनमें अगर सभी में जी कोरिलेशन हो जाए ना, जी एक अच्छा नाटककार हो, एक अच्छा अभिनेता हो जी और एक अच्छा निर्देशक हो, फिर तो कमाल हो जाता है। जी 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 डॉक्टर साहब, कुछ जो हमारे बड़े हैं वो किसी कारणवश रंगमंच से या किसी भी कला के क्षेत्र से नहीं जुड़ सके, कोई भी कारण हो सकते हैं चाहे, है ना, तो अभी वो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बोलोगे, वो कैसे इस क्षेत्र के साथ जुड़े हैं? क्या कोई उम्र होगी या कोई आयु कुछ किसी भी तरह से? नहीं, मैं नहीं मानता सुमित जी, जब जागो तभी सवेरा। मैं कहता हूँ जी कि क्यों नहीं जुड़ सकते। अगर एक युवा का करेक्टर नहीं कर सकते तो एक बाप का तो कर सकते हैं, एक जी दादा का तो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हस्तियां ऐसी हैं जो मतलब अपनी युवा अवस्था में फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनी, थिएटर का हिस्सा नहीं बनी, जी बाद में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो भी कर सकते हैं जी अगर करना चाहें तो। जी 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 डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे युवा दर्शकों को या हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर थिएटर का क्षेत्र में आपने आना है तो खूब मेहनत करो। इस चकाचौंध की दुनिया की तरफ देखकर, एकदम आए, 2-4 दिन किया, 2-4 महीने किया, चाहे 1 साल किया, उसके बाद छोड़ के चले गए,
तो शायद कुछ आपको प्राप्त ना हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात आप स्टार नहीं बन सकते, जी लेकिन मेहनत जरूर रंग लाती है, मैं ऐसा समझता हूँ। आप करोगे, अपने भविष्य को तलाशो, खूब जी मेहनत करो, आपका करियर भी बनेगा, आप इस क्षेत्र में अपना नाम भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे। जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थी डॉक्टर सुरेश मेहता जी के साथ हमारी खास मुलाकात। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत से। तब तक के लिए मुझे सुमित शर्मा और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए टुडे हेडलाइंस की खास पेशकश द करियर गाइडेंस। धन्यवाद।